लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ प्रिया शर्मा। सीआरडी कृषि विज्ञान केंद्र सेवनिया की पूर्व कार्यपालक संचालिका एवं वर्तमान सदस्य शारदा फोगाट ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में संस्था के कर्मचारी और वर्तमान में ईडी की फर्जी नियुक्ति की शिकायत की थी। इसी के चलते सीआरडीई कृषि विज्ञान के अध्यक्ष विजय कुमार, उपाध्यक्ष आरएस वर्मा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में अध्यक्ष से नियुक्ति सहित कई मुद्दे पर चर्चा की गई। इस दौरान अध्यक्ष सहित सदस्यों एवं स्टाफ का कहना था कि संस्था में कर्मचारियों की जो नियुक्ति की गई है वह नियम से की गई थी, जिसका रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। शारदा द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वह आरोप उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के कारण लगाए हैं। वार्ता में बताया है कि ईडी पल्लवी से पैसों की डिमांड कर रही थी, इनको जब पैसे देने से मना किया तो उन्होंने झूठी शिकायत कर दी। वहीं ईडी का कहना है कि जब मेरी नियुक्ति की गई थी उस समय शिकायतकर्ता ही स्वयं ईडी थी और शिकायतकर्ता कोई और नहीं, उनकी सास है। आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि वह मेरी जायदाद हड़पना चाहती है। इतना ही नहीं, मुझे घर से भी बेदखल कर दिया। संस्था के अध्यक्ष विजय का कहना है कि पूर्व ईडी द्वारा जो झूठी शिकायत की गई है, संस्था की छवि जो धूमिल की गई, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इच्छावर से रामबाबू वर्मा की रिपोर्ट। मेरी मदर इन लॉ है। ईडी की पूरी जो नियुक्ति हुई है वो पूरी रूल्स से हुई है। कोई भी काम हमारे यहाँ पे गैर रूल्स के विरुद्ध जाके नहीं हुआ है। उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमने आप लोगों को दिए हैं और बाकी सदस्यता होती है जो कि मेरी मार्च में हुई थी 2019 में। उसके बाद में जीवीएम में मेरा नंबर आया था। उसके बाद कार्यकारिणी बैठक में मेरा नाम लिया गया और उसके बाद में मैं ईडी बनी। ये पूरी प्रोसेस होती है एक ईडी बनने की। वो खुद भी ईडी रह चुकी है तो उन्हें बखूबी मालूम है, लेकिन फिर भी इस तरीके से जो हरकत हुई है वो बेबुनियाद है। एक कुछ नहीं है, उनकी नियुक्ति बिल्कुल सही थी और ये उनका कुछ निजी स्वार्थ हो सकता है, इससे मैं नहीं बता सकता। तो अगर ये निजी स्वार्थ है और अगर वो संस्था की ही जो है बदनामी कर रही है तो आप जो है उन पे क्या कार्रवाई करेंगे? हम अपने इक्विटी कमेटी में चर्चा करके जो कानूनबद्ध होगा वो कार्रवाई करेंगे। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।